इंडिया बोलेगा कि भारत का वह कौन सा अधिकारी है जिसे भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर केस लड़ने का अधिकार है। फटाफट बोलो भाई, बोल तो लगातार मैं रही हूँ, आपसे तो बीच में कम बुलवाती हूँ, पसीना तो मुझे छूटा हुआ है कि कल से एसी ऑन करवा दो। सफोकेशन मुझे हो रहा है क्योंकि मैं लगातार बोल रही हूँ। जब भाई आप ले रहे हैं चलिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिमाग वैसे ही हिला रहता है हमारा, फिर मैं आप ही को खड़ा करूंगी यहाँ पर, बोलूंगी पढ़ाओ अब तक जो उतना मैंने पढ़ाया है, समझ गए। चलिए अब सीधा सीधी आपका आ गया, इसके नाम के आगे बड़ा ही लॉजिकल चीज है, इसके नाम के आगे इंडिया है, ये क्या स्टेट के लिए बाउंडेड है? तो ये तो ऑल ओवर इंडिया जा सकता है। इसके नाम के आगे भी क्या लगा हुआ है? वो नहीं हुआ तो ये ऑल ओवर इंडिया जा सकता है, लेकिन इसके नाम के आगे क्या लगा है? ये क्या एमपी का केस यूपी में लेकर जाएगा? नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर उसी स्टेट के अंदर में लिमिटेड है। क्लियर है, समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालना इस लाइन को, दैट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ब्रैकेट में ही हैज नो फिक्स्ड टेन्योर, उनके पास निश्चित अवधि नहीं है।